दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों कॉलेज परीक्षाओं पर नया नियम लागू कर दिया गया है। अब जो छात्र एग्ज़ाम में 0 नंबर भी लाएंगे उन्हें भी फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें भी पास किया जाएगा। नया नियम दोस्तों अभी अभी आ चुका है, पूरी खबर को आप सभी को प्रूफ के साथ में बताने वाले हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं, नया नियम पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है, किसी भी छात्र को अब फेल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पूरी जानकारी प्रूफ के साथ में देने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह आज ही का न्यूज़पेपर है, अमर उजाला, दिन है दोस्तों बृहस्पतिवार और तारीख है 21 अप्रैल 2022। पूरी खबर को दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है, यानी कि दोस्तों आप जितने भी नंबर लेके आए आप सभी को पास किया जाएगा। पूरी खबर को जूम करके देख लेते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, और ये जो नियम है दोस्तों पूरे प्रदेश के लिए आया है, यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये नया नियम लागू होने वाला है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि विद्यार्थी ने आंतरिक मूल्यांकन में 0 अंक भी दोस्तों प्राप्त किए हैं और विश्वविद्यालय की परीक्षा में 33 अंक प्राप्त किए हैं तो छात्र को दोस्तों उत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम में दोस्तों अगर आपके 0 नंबर हैं और एक्सटर्नल एग्जाम में अगर आपके 33 अंक हैं तो आप सभी को पास किया जाएगा। तो ये नया नियम दोस्तों यहाँ पर शासन के द्वारा निकाला गया है, बहुत ही अच्छा नियम है। आप सभी का दोस्तों क्या कहना है इस नियम के बारे में, जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।